और अब बात करेंगे शहादत की। शेखावटी का लाल भूटान बॉर्डर पर शहीद हुआ है। भूटान बॉर्डर पर तूफान की चपेट में आने से शहीद हुई जवान रोहिताश यादव का पार्थिव देह रिंगस पहुंचा है। यहां से पार्थिव देह पैतृक गांव भारनी लाया जाएगा, जहां आज राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि जवान रोहिताश यादव SSB में असम के कोकराझार जिले में तैनात थे और 2 दिन पहले ही तूफान की चपेट में आने से वे शहीद हो गए। उधर जवान रोहिताश यादव के गांव सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि रोहिताश की शादी साल 2003 में हुई थी। रोहिताश की 2 बेटियां और 1 बेटा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ उनके पैतृक गाँव भारनी में उनका पार्थिव देह लाया गया। भूटान बॉर्डर पर वे तैनात थे और तूफान की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। हर कोई रोहिताश की बहादुरी और देश के प्रति उनके प्रेम को सलाम कर रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव देह को आर्मी के इस ट्रक में रखा गया है और सड़कों के किनारे लोग तिरंगा हाथों में लिए हुए रोहिताश अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा। जैसे ही लोगों को रोहिताश के न रहने की सूचना मिली कि उनके परिवार के लोगों के पास पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया। ऐसे वीर सपूत जो कि विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, कभी शत्रु की गोली का तो कभी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करते हैं। भूटान बॉर्डर पर ही जवान रोहिताश भी तैनात थे, जिनके तूफान में घिरने से, तूफान की चपेट में आने से मौत की सूचना है। भारनी गांव का ये जवान था जिसका पार्थिव देह अब उनके गांव पहुंचाया गया है। तूफान की चपेट में आने से ये जवान शहीद हुए हैं और हर कोई आज इन्हें सलाम करता है, क्योंकि अपने परिवार को छोड़कर ये बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हैं। जवान रोहिताश यादव भी भूटान बॉर्डर पर तैनात थे। मौसम खराब होने पर तूफान की चपेट में भी आ गए और उनकी शहादत की खबर मिली। परिवार के लोग जहां दुखों से घिरे हुए हैं, लेकिन आसपास के लोग उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। हालांकि उनके दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शहादत उनके वीर सपूत ने देश के नाम दी है, वो हमेशा अमर रहेगी। जब इनका पार्थिव देह सड़क से निकला तो आसपास लोग मौजूद रहे और सलामी इस वीर बहादुर को दी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रमेश यहाँ पर जुड़ गए हैं। रमेश, उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव देह पहुंच चुका है और गांव की बात करें तो किस तरह का माहौल और तैयारियां किस तरह से अंतिम संस्कार की? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गांव में गमहीन माहौल है, क्योंकि जवान है वह है और पैतृक गांव में उनका शव अंतिम तैयारियां इनकी चल रही है। कुछ देर बाद में ही राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। जी, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे रमेश, क्या परिवार को इस बात की जानकारी मिल गई है, उनकी पत्नी को इस बात की जानकारी दे दी गई है? और इसके साथ ही जो गांव का पूरा माहौल है, आपने बताया कि गमगीन माहौल है, लेकिन युवाओं में किस तरह की देशभक्ति इस दौरान देखी जा रही है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अब परिवार को पूरी सूचना दे दी गई है, क्योंकि पार्थिव देह उनके गांव में पहुंच चुका है, तो अब ये बात छुपाना बड़ी देर हो जाएगी और अब उसी देर बाद में उनकी तैयारियां यहां शुरू कर दी जाएगी कि उसको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी जाए। और उनके भाई हैं वो भी सेना में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में BSF में तैनात है, और उनकी जो बहन है उनको भी इसकी सूचना दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।